हेलो ऑल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के एथिक्स के आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है रिलेटेड टू प्रोबिटी। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको प्रोबिटी क्या है वो किसी एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ। तो अगर आप समझिए, आप किसी रोड ट्रिप पे हैं और आपकी कार जो है वो जा रही है रोड्स पे और वो हिट करती किसी और कार को, और आप उतरते हो और देखते हो कि कार में तो जो ओनर है वो प्रेजेंट नहीं है, वो कार आइडल है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप वहाँ से निकल लोगे या आप वहाँ पे रुकोगे और उस बंदे के लिए आप वेट करोगे और देखोगे कि जब वो बंदा आता है तो उसे बताए कि जो स्क्रैच हुआ है या जो डेंट पड़ा है वो मेरी वजह से पड़ा है और उसके लिए मैं पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। तो अगर आप निकल लेते हो वहाँ से विदाउट इन्फॉर्मिंग और गिविंग नोटिस टू दैट पर्सन, तो आप में प्रॉबिटी की कमी दिखाई देगी। बट अगर आप वहाँ रुकते हो और आप उससे बात करते हो और अपनी जो भी गलती है उसे मानते हो, तो आपकी प्रॉबिटी दिखाई देती है वहाँ पे। तो हमने क्या देखा, प्रॉबिटी प्रॉबिटी में एक तरीके से बहुत सारे क्वालिटीज़ आते हैं इंडिविजुअल में। अगर प्रॉबिटी की बात करें तो कौन से क्वालिटीज़ देखे हमने यहाँ पे। सबसे पहला क्वालिटी देखा हमने कि ऑनेस्टी, कि वो बंदा ऑनेस्ट है, उससे कोई गलती हुई है वो उसे मानने के लिए तैयार है। सेकेंड, डिसेंट बंदा है, क्योंकि अगर आप कोई किसी के लिए आपके आपसे कोई गलती हो जाती है या उसका नुकसान हो जाता है तो एक डिसेंसी होती है कि आप उसे बताएं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ दिखती है वो इंटीग्रिटी, कि आप जो वैल्यूज़ होल्ड कर रहे हो वो आप एक्चुअली एक्शन में भी ला रहे हो, कि आप सोचते हो कि मेरे से गलती हुई है तो मैं यहाँ रुकूंगा और मैं जो भी फेस होगा करूंगा उसका उसका जो भी गुस्सा है उसे, या फिर वॉट एवर इट मे बी, यू विल फेस इट स्टैंडिंग देयर। तीसरी चीज़ दिखती है यहाँ पे कंपैशन, कि अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसे उसे उसकी नुकसान की भरपाई करना अपनी जिम्मेदारी है, तो आपके एक्शन में दिखता है उसके प्रति कंपैशन। तो ये सारी क्वालिटीज़ दिखती है व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉबिटी। तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो प्रॉबिटी एक सिंपल टर्म नहीं है, इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ आ जाती है अंडर इट्स अम्ब्रेला। बट अगर हम गवर्नमेंट पैरलैंस में देखें या गवर्नमेंट के लैंग्वेज में देखें या इंस्टीट्यूशन लैंग्वेज में देखें, तो प्रॉबिटी का बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि आप करप्शन अवॉइड करते हो, आप ऑनेस्ट हो, आप इंटीग्रिटी से भरे इंसान हो। तो ये सारी प्रॉबिटी आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल पे दिखती है, बट एट अ पर्सनल लेवल वी हैव टॉक्ड अबाउट द क्वालिटीज दैट आर देयर। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, इलस्ट्रेट बाय गिविंग एग्जांपल। यानी प्रॉबिटी इन गवर्नेंस से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, और इलस्ट्रेट करना है उस चीज़ को बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो आपको एग्जांपल्स देना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम अप्रोच देखेंगे, सिंपल अप्रोच रखेंगे। सबसे पहले डिफाइन करेंगे प्रॉबिटी क्या है, जो हमने अभी जिसके जिसको एग्जांपल के साथ हमने समझने की कोशिश की उन्हीं चीज़ों को हम रिप्रोड्यूस करेंगे इन आवर डेफिनेशन। फिर एक्सप्लेन करेंगे कि प्रॉबिटी कैसे रिफ्लेक्ट होती है इन गवर्नेंस विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, तो आप कैसे बताओगे, आप उसे ऐसे ही बताओगे कि वो कैसे आपको गवर्नेंस में दिखती है और उसी को आप एक्सप्लेन करोगे विद एग्जांपल्स। फिर आप कंक्लूड करोगे वेरी अप्रोप्रिएटली, कुछ आप अगर आपके पास कोई रिपोर्ट हो या कोई कोट हो उसे आप यूज़ करके उसे एंड कर सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन, जो हमने डेफिनेशन बनानी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉबिटी का अगर आपको ओरिजिन पता हो तो आप उससे भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। जैसे प्रॉबिटी ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है, और लैटिन में एक वर्ड है प्रोबस, जिसे और हम अगर उसका मीनिंग समझे तो उसका मीनिंग है गुड। तो लैटिन वर्ड से ये डिराइव हुआ है, प्रोबस से प्रॉबिटी बना है, और ये एक बेसिकली हमने जो क्वालिटीज़ बताई उससे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ वॉट क्वालिटी, अपराइटनेस, हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल, इंटीग्रिटी, कंपैशन, ऑनेस्टी, डिसेंसी एट ऑल टाइम। इन्हीं वर्ड्स के साथ आप इसे डिफाइन कर सकते हो प्रॉबिटी का मतलब। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है प्रोबस, जिसका मतलब है गुड, और ये रिफर करता है टू सम क्वालिटीज़ जिसे हमने देखा है। अब हम जो हमारा कनेक्टिंग लाइन है उसमें हम गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये कैसे गवर्नेंस में दिखता है इसे हमें इलस्ट्रेट करना है। तो प्रॉबिटी जो है वो बहुत ही नेसेसरी और वाइटल रिक्वायरमेंट है फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस, एंड दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज या एज बिलो। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपका आना चाहिए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन लेवल पे बात की गई है, तो करप्शन, अवॉइडिंग करप्शन इज द प्राइम थिंग एंड दैट शुड कम एज अ फर्स्ट पॉइंट। तो प्रॉबिटी जो है ये बेडरॉक है ऑफ एन ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ये एक बेडरॉक है, और आप देखोगे जो ऑनेस्ट ऑफिशियल होते हैं वो अवॉइड करते हैं हमेशा करप्शन और डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस एट ऑल टाइम। अगर एग्जांपल के बारे में बात करें तो नॉट टेकिंग ब्राइब्स इवन वेन फेस्ड विद एडवर्स कॉन्सिक्वेंस। अगर बहुत ही मुश्किल हालात है फिर भी अगर आप ब्राइब नहीं लेते या करप्शन नहीं करते या कोई डिसऑनेस्ट एक्टिविटी नहीं करते, तो आप में प्रॉबिटी दिखती है एज एन इंडिविजुअल। तो जो प्रॉबिटी है वो हमने बात की है कि प्रॉबिटी एक तरीके से
कंपैशन, गुड कैरेक्टर, इन सारी चीज़ों को भी उसके अम्ब्रेला में हम देख सकते हैं उसे। तो अगर गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन लेवल पे देखें तो प्रोबिटी ये इंश्योर करती कुछ चीज़ को, कुछ किसी वैल्यू को जो है इम्पार्शलिटी। क्यों? क्योंकि आप अपहोल्ड करते हो कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स। बट यहाँ पे अगर गवर्नमेंट के लैंग्वेज में देखें या फिर इंस्टीट्यूशन लैंग्वेज में देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फॉर एन ऑफिसर और पब्लिक सर्वेंट इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि आप हर इंसान को सेम समझें, वो चाहे कॉमन सिटीजन हो या पॉलिटिशियन हो या फिर कोई अमीर हो या गरीब हो। तो आप हर किसी के साथ जब डील करोगे तो इम्पार्शली डील करोगे, तो आपको प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस दिखाई देगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। जैसे अगर कोई फाइल है जो आपको क्लियर करनी है, इट इज़ ऑफ अ पॉलिटिशियन और अ कॉमन सिटीजन हुएवर इट मे बी, आप उसे प्रायोरिटाइज ऐसे नहीं करोगे कि कोई इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल इसलिए उसके लिए उसकी फाइल क्लियर करो सबसे पहले। तो आप बहुत ही इम्पार्शली चीज़ों को हैंडल करोगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉपर्टी जो है ये इस्टेब्लिश करती इंटीग्रिटी, क्योंकि आप देखोगे जो होल्डर है पब्लिक ऑफिसेस में, अगर उस इंसान में प्रॉपर्टी है तो वो कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल मास्टर या फिर कोई सीनियर के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, उनके ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं आएगा और आप उसकी जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है उसमें उनकी इंटरफेरेंस नहीं लाएगा। तो जैसे हम एग्जांपल देखें, नॉट टोइंग लाइन ऑफ पॉलिटिकल मास्टर ब्लाइंडली, अगर कोई पॉलिटिकल मास्टर भी है आपका जो आपको ऑर्डर्स देता है, तो आप जो ऑर्डर्स आए हैं आपके पास वो उसके मेरिट के हिसाब से आप देखोगे कि अगर वो किसी डिसऑनेस्टी या करप्ट प्रैक्टिस की तरफ आपको लेके जा रहे हैं तो आप उसे नहीं फॉलो करोगे। तो ये यहाँ से आपकी प्रॉपर्टी दिखाई देगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रॉपर्टी है होती है वो जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसे अकाउंटेबल बनाती है। अकाउंटेबल यानी जवाबदेही उसको निभानी पड़ती है। हमने एग्जांपल देखा था जो कार का एक्सीडेंट होता है उसमें वो जो बंदा है वो उसने कार को हिट करा बट फिर भी वो वहाँ रुका। क्यों? ही वॉज रेडी टू पुट हिमसेल्फ इन एन एडवर्स कंडीशन अंडर द स्क्रूटिनी ऑफ द पर्सन हुज कार ही हिट। और अगर गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूशन लेवल पे देखें तो हम एज एन पब्लिक ऑफिसर वी हैव टू पुट अवर सेल्फ अंडर द स्क्रूटिनी ऑफ द सिटीजन्स। पब्लिक स्क्रूटिनी के अंडर हमें खुद को रखना पड़ेगा। तो इससे आपकी जवाबदेही बढ़ती है, जो गुड गवर्नेंस की एक क्वालिटी है। तो प्रॉपर्टी मेक्स पब्लिक होल्डर पब्लिक ऑफिस होल्डर अकाउंटेबल बिकॉज दे आर रेडी टू पुट देमसेल्फ अंडर पब्लिक स्क्रूटिनी। जैसे रेलवे मिनिस्टर होल्डिंग हिमसेल्फ अकाउंटेबल फॉर रिपीटेड रेल एक्सीडेंट्स, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको पता है तो शास्त्री जी शायद फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग ही व्हेन ही वाज रेलवे मिनिस्टर, उनके रेलवे मिनिस्ट्री के दौरान एक्सीडेंट हुआ था, देन ही रिजाइंड फ्रॉम हिज ऑफिस। तो ऐसी कोई एग्जांपल आपके पास हो तो आप इसे कोट कर सकते हो। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोबिटी जो है वो डिमांड करती है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो, जो भी आप डिसीजंस लेते हो, आप जो भी एक्शंस करते हो और उसके बारे में आप अगर ट्रांसपेरेंट नहीं हो तो आपकी ऑनेस्टी भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है कि आप एक डिसऑनेस्ट इंसान की तरह दिखाई देते हो। क्योंकि किसको पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपने किस वजह से उस चीज़ को या उस डिसीजन को मेक किया है या वो एक्शन आपने किया है। तो जो प्रोबिटी है वो वारंट करती है, डिमांड करती है कि आप ट्रांसपेरेंटली बिहेव करो, एंड इट मेक्स सर्टन दैट ऑफिसर आर एज ओपन एज पॉसिबल अबाउट दैट डिसीजन दैट दे टेक। जैसे हमारे पास एग्जांपल है हरियाणा का जन सुनवाई, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है जहां पे चीफ मिनिस्टर्स खुद सुनवाई करते हैं, जो भी लोग हैं उनके ग्रीवेंसेस सुनते हैं पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ हो या व्हाटएवर इट मे बी। तो उनको आप देखोगे ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे दिखती है कि हम जो डिसीजंस ले रहे हैं, हम जो एक्शन ले रहे हैं उसको हम ट्रांसपेरेंटली बता रहे हैं, और आपकी अगर कोई ग्रीवेंसेस है आप हमें बताएं। तो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रॉपर्टी है वॉरंट करती है डेडिकेशन टू वंस ड्यूटी, कि अगर मेरे से कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी और कार का तो मेरी ड्यूटी है कि मैं वहाँ पे खड़ा रहूँ। और पब्लिक सर्विस जब आप बात करते हो तो आपकी ड्यूटी क्या है कि आप हर किसी इंसान का जो भी इंटरेस्ट है उसे आप फर्दर करें या उसे प्रमोट करें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और बहुत ही कंपैशनेटली करें। जैसे हेल्प्स इन केटरिंग द नीड्स ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी विदाउट डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब है उसमें थोड़ा सा एक कंपैशन का पार्ट भी आ जाता है, हमने जो एथिक्स के लेक्चर में पढ़ा है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कोविड वॉरियर्स हु सर्व द नेशन डिस्पाइट चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है, जैसे ऑनेस्टी, इम्पार्शलिटी, इंटीग्रिटी, फिर अकाउंटेबिलिटी, फिर ट्रांसपेरेंसी, डेडिकेशन टू वंस ड्यूटी। तो ये सारे गुड गवर्नेंस के भी क्वालिटी है और एक तरीके से प्रॉपर्टी को भी रिफ्लेक्ट करते हैं।
तो अगर आपका गुड गवर्नेंस का कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसे भी ऐसे ही डील कर सकते हो। अब हम कंक्लूड करेंगे अप्रोप्रिएटली। हमारे पास सेकेंड ARC रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि जो क्रिटिकल रोल है हमारे गवर्नेंस का, गिवन इट्स क्रिटिकल रोल, यानी प्रोबिटी का जो इतना क्रिटिकल रोल है गवर्नेंस में, तो सेकेंड ARC जो रिपोर्ट है उसने कहा है कि इन एडिशन टू द ट्रेडिशनल वैल्यूज जो एक सिविल सर्विसेज में होने चाहिए, जैसे एफिशिएंसी, पेट्रियटिज्म, सिविल सर्वेंट शुड ऑल्सो इंस्टिल प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में उसे प्रोबिटी भी इंस्टिल करनी होगी, ये सेकेंड ARC रिपोर्ट कहती है, रिकमेंड करती है रेदर। तो इस तरह से आप इसे कंक्लूड कर सकते हो। हम क्विकली रिवाइज करेंगे, हमने क्या देखा है। पहले हमने देखा कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबिटी इन गवर्नेंस, और इसे इलस्ट्रेट करना है विद गिविंग एग्जांपल। तो सबसे पहले हमने एक इंडिविजुअल लेवल पे देखा प्रोबिटी क्या होता है विद एन एग्जांपल, एक्सक्यूज मी। फिर हमने अप्रोच देखा, सबसे पहले डेफिनेशनल अप्रोच, प्रोबिटी को हमने डिफाइन किया विद द क्वालिटीज दैट वी नो अ पर्सन दैट इज फिल्ड विद प्रोबिटी, और जो जो प्रोबस है या गुड इंसान है तो उसमें कौन सी क्वालिटीज आती है, वो चीज़ हमने देखी। फिर हमने एक्सप्लेन किया है गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव में कि प्रोबिटी इन गवर्नेंस कैसे रिफ्लेक्ट होती है। फिर हमने कंक्लूड किया है, तो डेफिनेशनल अप्रोच रखा है हमने, हमने बताया कि कैसे एक ऑनेस्ट इंसान होता है जब हम प्रोबिटी के बारे में बात करते हैं, जिसमें ये प्रोबिटी, ये वैल्यू होती है, और वो अवॉइड करता है करप्शन और डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस। फिर हमने देखा कि जो प्रिंसिपल्स है इंडिविजुअल लेवल पे, मॉरल प्रिंसिपल्स को आपको अपहोल्ड करना है, और एट इंस्टीट्यूशन लेवल कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करना है, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर आप इक्वालिटी बिफोर लॉ को मानते हो तो आप इम्पार्शियल सिविल सर्वेंट होते हो। फिर इंटीग्रिटी के बारे में हमने देखा कि कैसे ये इस्टेब्लिश करता है इंटीग्रिटी, बिकॉज अ प्रोबस पर्सन विल नेवर पुट हिमसेल्फ और हरसेल्फ अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ समवन एल्स हु वुड इन्फ्रिंज इनटू देयर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी और उसे करप्ट प्रैक्टिस की ओर ले जाए। तो ये यहाँ हमने इंटीग्रिटी के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने देखा कि कैसे एक जो इंसान ऑनेस्ट होता है वो हमेशा अपने आप को पब्लिक स्क्रूटिनी, या फिर जो भी इंसान है जिसके लिए जिसके जिसके एक्शन की वजह से दूसरे पे इफेक्ट होता है उसके स्क्रूटिनी में भी लाता है। तो यहाँ पे हमने पब्लिक स्क्रूटिनी के बारे में देखा। तो एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करता है प्रोबिटी। फिर बाद में हमने देखा प्रोबिटी कैसे इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि वो इंसान जिसमें प्रोबिटी होती है वो अपने डिसीजंस जो है वो एज पॉसिबल एज ही कैन और शी कैन वो उसे ट्रांसपेरेंट रखता है, लोगों के सामने रखता है। हमने जन सुनवाई इन हरियाणा इसका एग्जांपल देखा यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक कंपैशन की भी भावना होनी चाहिए, यानी आप अगर एक ऑफिसर हो तो आप अगर आपकी ड्यूटी डेडिकेटेडली करोगे तो और हेल्प करोगे केटरिंग द नीड्स ऑफ ऑल सेक्शन विद कंपैशन, तो यहाँ पे आपकी प्रोबिटी दिखाएगी। हमने कोविड वॉरियर का एग्जांपल लिया है यहाँ पे। फिर हमने फाइनली कंक्लूड किया विद सेकेंड ARC रिपोर्ट, जिसने रिकमेंड किया था कि विद द अदर ट्रेडिशनल वैल्यूज हमें प्रोबिटी को भी इंस्टिल करना होगा इन सिविल सर्वेंट इन दर पब्लिक लाइफ। तो बहुत बार एक एडिशनल नोट बता दूं कि प्रोबिटी ऐसी चीज़ है जो कभी कभार आप देखोगे प्रोबिटी इंसान के इंडिविजुअल लाइफ में नहीं होती, बट पब्लिक लाइफ में बहुत ही प्रोबिटी से भरा होता है। ये जो सारी क्वालिटीज़ है वो उसके प्रोफेशनल लाइफ में वो लाता है, कई बार वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में या फिर अपने इंडिविजुअल लाइफ में कुछ विपरीत चीज़ें करता है। तो हमारा जो कंसर्न है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन से है कि वो अपने पब्लिक लाइफ में प्रोबिटी लाए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम पब्लिक सर्विस पर्सपेक्टिव। So I hope you have understood the concept of probity and you could deal with the question on probity given that we have explained it very well in a holistic manner. Let us meet in the next exercise of our question and answer session, and till then thanks and bye.